सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तबीयत फिर बिगड़ी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है इलाज। एक ही दिन पहले लखनऊ के पीजीआई में हुए थे भर्ती। लखनऊ आवास पर योगी भी पहुंचे थे मुलायम का हालचाल पूछने। तबीयत बिगड़ने पर हवाई जहाज से दिल्ली लाए गए मुलायम। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें एक बार फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। भारतीय राजनीति के कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को सोमवार की रात करीब 8 बजे गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। मुलायम सिंह यादव को एक दिन पहले ही शुगर लेवल बढ़ने की वजह से लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के बाद उनको देर रात डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, लेकिन सोमवार को फिर उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्व मुख्यमंत्री को हवाई जहाज से लखनऊ से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया जहां गाड़ी से उन्हें मेदांता अस्पताल पहुंचाया गया। उनका इलाज सीनियर फिजिशियन डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बुखार व शुगर बढ़ने के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ है। डॉक्टर ने उनकी बीमारी से जुड़ी कई जांच कराई हैं, जिनकी रिपोर्ट मंगलवार सुबह तक आएगी। मुलायम के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए यूपी के सीएम योगी भी उनके आवास पर पहुंचे थे, जहां मुलायम और अखिलेश से मुलाकात के वक्त शिवपाल भी पहुंच गए थे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के बच्चों से भी मिले थे। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव के दौरान मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब हुई थी, तब तत्कालीन गृह मंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनका हालचाल पूछने गए थे। फिलहाल मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा है और सभी उनके लिए जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं।